राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सब अच्छे से होंगे। तो गाइज, अभी मैं कर रही हूँ किचन क्लीन। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बाद की हो रही है किचन क्लीन। तो किचन में मैंने अच्छे से इन बास्केट को, ट्रे को और पानी की बोतल को सबको मैंने क्लीन करके अच्छे से रख दिया है, और मैट के नीचे भी मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया। और अब मैं कर रही हूँ गैस को साफ, और साथ साथ मैं टाइलें भी साफ कर रही हूँ। गैस को मैं अच्छे से कपड़े से साफ करती हूँ, और साथ साथ में मैं टाइलें भी साफ कर रही हूँ, कि जो कुछ छींटे पड़ जाते हैं टाइलों के ऊपर सब्जी बनाते हुए, तो मैं साथ साथ में इनको साफ कर लूँगी। और मैट के नीचे भी मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया, क्योंकि जब रोटी बनाते हैं तो आटा उन पर गिर जाता है, और अगर साफ़ नहीं करूँगी तो चींटियाँ आ जाएंगी। और साथ साथ में मैं डब्बे भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इनका घी जो होता है, जो आटा बाहर लग जाता है इनके, तो वो भी मैंने अच्छे से इन डब्बों को साफ़ करके रख दिया है। नहीं तो अगर आप ऐसे साफ नहीं करोगे तो चींटियाँ आने का खतरा रहता है। तो गाइस, अभी किचन तो हो चुकी है मेरी क्लीन, अच्छे से मैंने सलब पे भी कपड़ा मार दिया है। तो ये है गाइस मलमल का कपड़ा, और इसके साथ मैं गैस को अच्छे से साफ कर दूंगी, और बिल्कुल न्यू जैसी ही गैस लगेगी बिल्कुल। और अभी जो है ये मेकर और मिक्सी और टोस्टर, इनको भी मैं अच्छे से मलमल के कपड़े के साथ साफ कर दूंगी, और साथ साथ में डस्टिंग होती रहे तो किचन आपकी हमेशा ही क्लीन रहती है। और अभी गाइस मैं धो रही हूँ बर्तन, और बर्तनों को मैं पानी के साथ धो धो के रख रही हूँ, साथ में विम के साथ धो के फिर मैं पानी के साथ निकाल के रख रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ऐसे ही सारे बर्तन एक साइड में धो के इनको रख दूँगी मांझ के, वरना इनका जो विम है वो सूख जाएगा, इसलिए मैं पानी के साथ भी धो धो के रख रही हूँ। बाद में इनको मैं अच्छे से पानी से क्लीन कर लूँगी। और गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मैंने क्या क्या काम किए, और सारा दिन ही बिजी रहता है। और गाइस, अभी मैं एक बर्तन में, पतीले में पानी भर के सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं, क्योंकि मैं ऐसे नल के नीचे नहीं धोती हूँ। मैं पहले पतीला एक पानी का भर लेती हूँ, और फिर थोड़ा थोड़ा नल का पानी छोड़ देती हूँ, और फिर मैं बर्तन सारे धो लेती हूँ। अब मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, और किचन हो चुकी है क्लीन। आइए देखिए, ये देखिए बिल्कुल किचन जो है वो न्यू जैसी लग रही है, साफ़ सुथरी। और ये राजमा जो है मैंने भीगने डाल दिए हैं। और गाइस, अभी कमरे में आ गए, और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड जो थे वो रात को सोए हुए थे, उन्होंने पर्दा देखा नहीं, और पर्दा जो था वो कूलर के साथ लटकता रहा, क्योंकि मैं दूसरे रूम में अपना काम कर रही थी, बच्चे मेरी स्टडी कर रही थी बड़ी बेटी, और वो सो गए थे, उनको पता ही नहीं चला कि वो जो पर्दा था कूलर के साथ लटका हुआ था, तो पानी उसके साथ लग लग के सारा ही बाहर गिर चुका है। और अभी मैं उसको भी क्लीन करूँगी, पहले बेडशीट जो है वो साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। अभी मैं कूलर को साइड करके उसके नीचे का पानी जो है पोचे के साथ मैं इकट्ठा करूँगी, क्योंकि ऐसे वाइपर नीचे को मार नहीं सकते, क्योंकि हम ऊपर के फ्लोर में रहते हैं, और फिर नीचे पानी डालना अच्छा नहीं होता, क्योंकि नीचे वाले भी रहते हैं, उनके आगे कीचड़ हो जाता, इसलिए मैं अंदर ही इसको पोचे के साथ सुखा लूँगी। और मैंने इस साइड पोचा मार दिया, और कूलर को भी इस साइड कर दिया। और गाइस, ये है मशीन, वॉशिंग मशीन पर भी मैंने कपड़ा दे दिया। और ये है टेबल, टेबल को मैं अच्छे से सही कर लेती हूँ। कुछ धोने वाले कपड़े थे, तो मैंने वो बाथरूम में, मेरी बेटी की बड़ी वाली थी, उनको मैंने बोल दिया कि आप बाल्टी में डाल दो। और ये कंबल और खेसी वगैरह के टैब मैं लगा के रख दूंगी। और ये है रेनकोट, और ये एक बोतल है स्प्रे वाली, इसमें पानी भरा है, जैसे कि मिरर वगैरह साफ़ करना हो तो उसके साथ साफ कर देते हैं।
तो गाइज अभी मैं सीधे आपको क्लीन करके ही मिल रही हूँ। और मैं सारी क्लीनिंग घर की कर ली है। और ये देखिए मैं छोटी सी चारपाई लगा रखी है और ये घर की हो चुकी है क्लीन। और ये है किचन, किचन भी मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है। बच्चों ने कुछ सामान रखा हुआ है, मोटर वगैरह। और गाइस ये है हमारा बच्चों का स्टडी वाला रूम, तो यही हम पूजा करते हैं। ये है मंदिर, ये है मेरे बच्चों का स्टडी टेबल। और ये बैठे हैं हमारे श्याम प्यारे, और श्याम प्यारे नाम जो है ठाकुर जी ने रखा। और मैं होगी रेडी अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने के लिए। और मैं अपनी बेटी को जाऊंगी स्कूटी पे छोड़ने। तो गाइस मैं उसे छोड़ के आ गई हूँ। और ये शाम की हो रही है तैयारी खाने की। और अभी मैंने राजमा जो है वो चढ़ा दिए हैं, तो लहसुन प्याज मैं काट रही हूँ। तो गाइस मेरे राजमा जो है वो हो चुके हैं। तो कढ़ाई में अभी मैं भूनूंगी मसाला, गरम मसाला। और इसे अभी मैं थोड़ा सा ऐसे गरम कर लिया है, तो अभी ये ठंडा हो जाएगा मसाला, तो मैं इसको फिर पीस लूंगी। और थोड़ा सा मसाला मैंने पीस लिया है क्योंकि मुझे अभी तड़के में डालना है। और गाइस अभी मैं लगा रही हूँ तड़का साथ साथ में ही। और लहसुन जो है थोड़ा सा भुन चुका है, और डालूंगी साथ में प्याज, साथ में ही चावल धो लूंगी मैं। और कुकर में थोड़ा सा पानी ज़्यादा था क्योंकि मैंने पहले ही गरम रख दिया था, तो वो मैंने निकाल दिया है। और राजमा जो है उनको थोड़ा सा मैं भून लूँगी अच्छे से। अभी लगा दूँगी थोड़ा सा पानी और अभी इनको पकने के लिए रख दूँगी। तो मसाला जो है वो ठंडा हो चुका है, तो साथ साथ में अभी मैं इसे पीस लूँगी। और इस तरह मसाला बनाने से ये मसाला जल्दी ख़राब नहीं होता है। थोड़ा सा अगर आप भून लो इसे हल्का सा, और गाइस मसाला जो है वो अच्छे से मैंने पीस लिया है। और देखिए कितना बारीक अच्छे से पीस गया है ये देखिए। तो गाइस ये मेरे श्रीमान जी जो हैं वो ले आए हैं सब्जियां, फ्रूट, दूध और पनीर भी। और मैं दूध को मटर को धो के रख लेती हूँ। तो ये है पनीर, पनीर में भी मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और फिर इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये रख दिया है मैंने फ्रिज में सारा सामान। और अभी मैं सेब और सब्जियों को भी धो लूंगी, पहले अच्छे से इनको बिन लेती हूँ कोई इनमें से कुछ खराब तो नहीं। और हरी मिर्चों को भी मैं अभी बिन के रख लूंगी साथ में ही। और हरी हरी मिर्चें जो हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो अभी पहले मैं सेब को धो लूँगी। ये डोंगे को मैं थोड़ा पानी से धो लेती हूँ। और साथ में ही धो के इनको बाद में सुखा के फिर मैं फ्रिज में रख दूंगी। दूध मैंने इसलिए रख दिया साथ में ही क्योंकि बाहर रह जाता तो ख़राब हो जाता, गर्मी बहुत है। सब्जियां जब तक सूख जाएंगी सुबह तक, फिर मैंने सुबह फ्रिज में लगा दूंगी। और गाइस मैं जब भी सब्जियां ये लेके आते हैं मैं पहले इनको धो के और तभी मैं फ्रिज में इनको रखती हूँ।
और ये खीरे, इनको भी मैं अच्छे से धो के रख लूँगी। और ये है हरी मिर्च, ये थोड़ी सी ही हरी मिर्च निकली थी, इनको भी मैं धो के रख लूँगी। ये गाइस सब्जियाँ जो मेरी हैं धुल चुकी हैं और अभी मैं खाना बना के पूजा के रूप में आ गई हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी कर रहे हैं पूजा और मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तय। तो गाइस आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सुबह से लेके और नाइट तक ये रूटीन आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और मैंने आपको बताया कि मैंने ये जो YouTube चैनल है वो मैंने क्यों शुरू किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो उसमें मैंने रीज़न दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सबको राधे राधे जी।